पर हम लोग विश चिलिंग, और यहाँ मेरी मम्मी भी चिल कर रही है। मैं पक्का बता रही हूँ मम्मी, ये देखो मैं पक्का पता था कि मम्मी यही देख रही है। मैं भी फर्स्ट टाइम ही आई हूँ, बहुत देर से मैं वहाँ बैठी थी, बट आई वाज श्योर कि मम्मी अरमान मलिक या संभावना सेठी देख रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज यहाँ पर जशन की क्लास हो चुकी है, एक घंटे की फिनिश। उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी स्टार्ट करूँ डांस क्लास। खाली बैठे बैठे क्या करना है, और काफ़ी टाइम भी हो गया था डांस करे और बहुत मस्त लगता है। तो मैंने दिस इज आर्चा, हाय आर्चा। हाय दीदी, हाय गाइस। ये हमारी डांस टीचर हैं और बहुत ही अच्छी फ्रेंड भी हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि ये मेरे लिए भी एक कोरियोग्राफ कर देगी अच्छा सा सॉन्ग। तो इसने बहुत ही अमेजिंग सा अच्छा गाना निकाला है, और पंजाबी है, बहुत प्यारा और डिसेंट रोमांटिक सॉन्ग है। तो उसमें हम लोग भांगड़ा जैसा स्टाइल का डांस सीख रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैंने पूरी कोरियोग्राफी देख ली है और थोड़ा सा स्टेप भी सीख लिया है। तो वीडियो जो हम लोग आपको भी दिखाते हैं। मेरा पसीना, डे वन ऑफ प्रैक्टिस। आई होप मैंने अच्छा किया, आप लोगों को अच्छा लगा। ऋषि कैसा किया मैंने? बहुत मस्त। तू भी करना मेरे साथ। तो लेकिन बहुत ज्यादा सीख ली एक दिन में। वेरी नाइस प्रोग्रेस, इंप्रेसिव। व्लॉग में बोल रही थी, पहले नहीं बोल रही थी, जैसे व्लॉग हुआ इसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दे दिया। क्या ननंद भाभी को थोड़ा सा ऐसे करना पड़ता है, अंदर अंदर हम कितने भी लड़ रहे हो। रात को मैंने इसको इतना मारा कि इसको बुखार चढ़ गया। अब हम वो थोड़ी बताएंगे व्लॉग में, हम तो इसको कॉम्प्लीमेंट्स देना पड़ता है ना, मेंटेन करना पड़ता है कि ये हमारी भाभी है, इसको प्यार करती हूँ मैं, ये मेरे को प्यार करती है, ऐसे दिखाना पड़ता है। सिर्फ शो ऑफ, आप लोग सच मान लो। आपकी हम लोग की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, कमेंट करो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाय विधि, क्या हाल है? प्लीज सब्सक्राइब टू हर चैनल, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। वाओ वाओ वाओ, देखो शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे होने चाहिए यार, बिना बोले सपोर्टिव फैमिली, सपोर्टिव फैमिली। गाइस तो शाम के 5 बज गए हैं, 5:30, और मेरा मन था अप्पे खाने का। तो हमारे यहाँ रानी बुआ हैं जो हमारे यहाँ कुकिंग करती हैं, और बहुत ही अमेजिंग करती है। नाश्ता वगैरह सब इतना टेस्टी, और ये भी बहुत डिलीशियस बनाया था इन्होंने। तो ये हम खा चुके हैं यहाँ पर विद चाय, और यहाँ पर डिनर की तैयारी। लड़के तुम लोग आए जा रहे हो ना, चलो मैं ही चलती हूँ गार्डन तुम्हारे साथ, चलो। गाइज आज मैं काफ़ी सालों के बाद गई थी गार्डन। मैं शादी से पहले मेरी जो फ्रेंड्स का हमारे ग्रुप था, तो हम लोग रोज शाम को यहाँ वॉक करते थे। और आज मैंने ये नोटिस किया कि इस बार बच्चों में क्रिकेट का इतना क्रेज़ है कि आप देखो छोटे बच्चे अलग खेल रहे, बॉयज़ अलग, गर्ल्स अलग, मेरे बच्चे अलग। तो काफ़ी मेरे को दिखा कि क्रेज़ चल रहा है अभी क्रिकेट का। और यहाँ पर इतने सारे जो बच्चे थे, उसमें से कई बच्चे जो मैं कई बार उनके साथ खेलती थी मैं, जब वो छोटे छोटे KG1 में या बहुत छोटे थे, तो मैं उनके साथ खेलती थी। आज वो लोग सब इतने बड़े हो गए हैं, और आज वो सब मेरे बच्चे खिलाए थे।
इट वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो हम लोग आ गए हैं जशन का कान छिदवाने के लिए। बहुत देर से हम लोग उसे कन्विंस कर रहे थे और जैसे ही इसने हाँ बोली तो हम लोग सब निकल गए घर से, फटाफट दुकान जा रहे हैं कान छिदवाने के लिए। सिर्फ एक कंडीशन में छिदवा रहा है कि इसको आइसक्रीम मिलेगी, वो भी पहले पहले इसको आइसक्रीम को देनी है, पकड़ानी है, उसके बाद ये कान छिदवाएगा, उसके बाद आइसक्रीम खाएगा, है ना? है ना? एक कान की दोनों कान दोनों की बात हुई जशन। हाँ तो अब जशन जा रहा है आइसक्रीम लेने और हम लोग आ गए हैं ज्वेलरी शॉप, ये संदीप ज्वेलर्स। छोटी सी दुकान थी पहले लेकिन अब बहुत ही बड़ी लग रही मेरे को, अच्छा शोरूम बन गया। तो हम सब देखने आए हैं कि जशन कान कैसे छिदवाता है। ये लोग सब ऑडियंस है, हम सब देखने नहीं आए, तो गुपचुप खाने आए हैं। तुम गुपचुप खाने आए हो क्या? चीटिंग कैसे किया तूने? चल कौन तक जल्दी खा उसको कान छिदवाना है। तो ये शोरूम के बाहर इन्होंने यहाँ पे कान छेदने वाला बनाया है। ऐसे नहीं बनना तेरे को। क्यों? मत खा मत खा। आइसक्रीम उसकी पूरी खत्म होगी ना उसके बाद वो नहीं मानने वाला। पकड़ मनु। मजाक की बात है यार, चुप कर दो मिनट बस हो गया। अब हम लोग जशन के लिए कुछ लेकर दे रहे, बेचारा बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, मेरे शौक के कारण उसको काफी कुछ स्ट्रगल करना पड़ा। चलो ये चाहिए, सस्ते में लिपट गई क्या? ये चाहिए मैजिक पेन, ये ले ले ले, बाहुबली भी है इसमें और गन भी है, बाहुबली की तलवार भी है, क्यों बढ़िया है यार। वो देखो कितना मस्त किचन सेट है, ऊपर ब्लॉक्स ब्लॉक्स है, बैच है। ओके तो फाइनली जशन को ये अलग अलग टाइप के पेन पेंसिल, ये भी पेंसिल ही है। हाँ ये भी पेंसिल पेंसिल है, वो जो आगे से निकलती है ना, पेन है तलवार नहीं है सिर्फ ये। हाँ ये पेन है बस, बाकी ये पेंसिल ली जशन ने, सब ले लिया है यहाँ से, पेंस लट्टू एक्टिविटी बुक्स। कान दोनों कान छिदवा लिए, दिखा दोनों दिखा, ये देखो ये अब पूछो मत कैसे कराया है। अभी बज रहे हैं रात के एक डेढ़ बज रहे हैं और हम सब ने खाना खा लिया है और सोनू और जशन को लगी है भूख, तो इन लोगों ने किया जोमेटो। वो उसके बाद डेढ़ घंटे के बाद डिलीवर हुआ है, इनका घर जहाँ पर है ना वहाँ डेढ़ घंटे लगते हैं डिलीवर होने में जोमेटो को, तो डेढ़ घंटे बाद पार्सल आ गया है। और पार्सल इन लोगों ने कैसे लिए जशन बताओ? हम लोग बाल्टी में पाइप फंसा और क्या किए इन लोगों ने, बाल्टी में पाइप फंसा के नीचे लटकाया बालकनी से और वहां से पार्सल रिसीव किया। वाओ कितना अच्छा दिख रहा, मैं भी खाऊंगी। एक और क्यों है? दो वॉफल है, दो वॉफल्स हैं। ये वाला तेरा, ये वाला न्यूटेला, उसको क्यों खाला अभी? उसको बंद कर अभी नहीं खाऊंगा मैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर चैनल मेन्यू, प्लीज सब्सक्राइब करें एंड बाकी लोग सभी लोग लाइक करें इस वीडियो को एंड डू सपोर्ट और सभी वीडियोज़ जरूर देखें क्योंकि बहुत ही अमेजिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।